राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानवीरी लाल एवं श्री श्री भावराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, यह बात जो भक्तमाल में लिखी है, इन भक्त चरित्रों को श्रवण करके यह परम सत्य प्रतीत होती है कि वास्तव में भक्ति के स्वरूप को समझ पाना बिना भक्तों के चरित्र के असंभव है। इन भक्तों ने भक्ति के स्वरूप को जिया है, क्रियान्वित करके अपने जीवन में दिखाया है। केवल उपदेश ही नहीं, भक्ति का स्वरूप क्या है, किसी भक्त के जीवन में नाम निष्ठा तो किसी की में धाम निष्ठा, संत निष्ठा, संत सेवा की निष्ठा, ये कैसी होनी चाहिए, क्या भक्ति का स्वरूप है, ये इन भक्त चरित्रों को जब तक सुना पढ़ा नहीं जाएगा तब तक भक्ति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है। भक्तमाल जी के आश्रय से हम लोग क्रमशः जो भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, जिनके लिए श्री भगवान ऐसे ऐसे भक्त, स्वयं भगवान ही जिनके यहाँ भक्ति के प्रभाव से भागवत महात्म्य में श्लोक आता है कि यदि श्री भगवान भक्ति किसी भी जाति के भक्त में हो, चाहे वो नीच से नीच चांडाल ही क्यों नहीं है, यदि भक्ति से स्मरण किया जाएगा श्री भगवान वहाँ पर भी प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्री, कल जो चरित्र सुना, श्री जसू स्वामी जी, जिनके यहाँ श्री भगवान बैल के रूप में भी आकर, स्वयं श्री भगवान नहीं वो बैल दिए, वो बैल के रूप में कोई और नहीं, साक्षात श्री भगवान ही थे। और ऐसे उनका मुख पर आकर्षण कि बैलों को देखते ही मन नहीं हटता था। तो श्री भगवान ने भक्तन हेतु तुम कहा न कियो, ये पंक्ति इन भक्तों के चरित्र से साक्षात चरितार्थ होती हुई दिखाई पड़ती है। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, बच्छ हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो, जसू स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी लाए, तैसी दिए शाम बरस दिन खेत जुताए, नामा ज्यो नंददास मुई एक बच्ची जिवाई। यहाँ इस छप्पे में चार भक्तों के चरित्र का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। तो कल जसू स्वामी जी का चरित्र सुना था, भक्त जसू स्वामी। आगे की पंक्ति में श्री नाभाजी महाराज ने चतुर्थ पंक्ति में श्री नंददास जी के चरित्र का स्मरण किया है। ये नंददास जी अष्टछाप के जो महाकवि हुए हैं, ये वो नंददास नहीं हैं, ये दूसरे नंददास भक्त हुए हैं। नामा जो नंददास मुई एक बच्ची जिवाई, जैसे श्री नामाजी महाराज के चरित्र का यहाँ स्मरण, उनके जीवन काल की घटना का यहाँ स्मरण नाभाजी कर रहे हैं, जैसे श्री नामदेव जी ने नामा जो नंददास मुई एक बच्ची जिवाई, नामदेव जी महाराज ने जैसे सिकंदर लोधी के सामने भक्ति के प्रभाव से, कोई जादू वादू नहीं, भक्तों को कोई सिद्धि से कोई तात्पर्य नहीं है, भक्तों के पास भक्ति के प्रभाव से अपने आप अनेक अनेक सिद्धियाँ आती हैं, लेकिन उन सिद्धियों का प्रयोग भक्तजन अपने यश प्रसिद्धि नहीं,
यदि कहीं उन सिद्धियों का प्रयोग भी करते हैं तो केवल भक्ति के प्रति जीवों की अगाध श्रद्धा हो जाए। इसलिए वो चमत्कार दिखाते हैं और उनके जीवन में वो चमत्कार दिखते हैं, वो भक्ति की महिमा है। वहाँ ना कोई जादूगरी होती है, ना उनको उस जादूगरी से कोई तात्पर्य है, ना कोई अपनी यश प्रसिद्धि करनी है। तो नामदेव जी ने जैसे अपने जीवन काल में बछड़े को, एक गैया को, मृत बछिया को जलाया, बड़ा सुंदर श्री नामदेव जी का चरित्र हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं। भक्तमाल जी में श्री प्रियादा जी कहते हैं, नृप सौ मलेच्छे बोली, यहाँ नामदेव जी के चरित्र का स्मरण क्यों किया है श्री नाभा जी महाराज ने, क्योंकि नामदेव जी के भी जीवन काल में वही घटना घटित हुई जो श्री नंददास जी के जीवन में हुई। तो यहाँ श्री नाभा जी महाराज कह रहे हैं, नामा जो नंददास मुई एक बच्ची जीवाई, जैसे नामदेव जी ने एक बच्चिया को जीवित कराया वैसे ही नंददास जी ने किया। नामदेव जी के जीवन काल की जो घटना है, एक बार सिकंदर लोदी ने और नामदेव जी को बुलाकर कहा, बुलवाया नामदेव जी को कि सुना है एक हिंदुओं में कोई फकीर है जो बड़े चमत्कार आदि दिखाता है, लेकिन हम उसको तभी मानेंगे जब वो हमारे सामने कोई चमत्कार दिखाए। तो नामदेव जी को बुलाया गया। अब यवन शासक है, सिकंदर लोदी है, बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। नामदेव जी को बुलाया गया, चारों तरफ सभा बैठी हुई है, नामदेव जी को उपस्थित कराया जाए। दुष्ट यवन और कहने लगा नामदेव जी से, अच्छा नामदेव जी, हमने आपकी प्रसिद्धि, आपके चमत्कारों के विषय में बड़ा सुना है, आप कोई चमत्कार करके दिखाइए। हमने सुना है आप खुदा के बंदे हैं, तो कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए हमें इस बात पर यकीन हो सके कि हाँ आप खुदा के बंदे हैं। तो श्री नामदेव जी परम वैष्णव ने कहा, भैया ये चमत्कार वमत्कार, ये जादू वादू हम कहाँ जाने, ऐसी बात होती तो फिर हम काय को दिन भर धंधा करते हुए घूमते, चमत्कार से ही सब कुछ पैदा कर रहे थे। अब हम तो जाति से छिपा हैं और यहाँ वस्त्रों की रंगाई करना, ये करना, दिन भर धंधा करते हैं, जो कुछ मिल जाता है उससे भक्तों का थोड़ा बहुत जो भी सेवा बन पड़ती है वो कर लेते हैं। लेकिन अब सिकंदर लोदी, जिसने श्री कबीरदास जी महाराज को भी बड़ा परेशान किया, कई बार परीक्षा लेने की प्रयास किया कबीरदास जी के समय में, और यहाँ तक कि कबीरदास जी को श्री गंगा जी में काशी में पत्थर बांध कर और बीच धार में डुबाने का प्रयत्न किया, लेकिन कबीरदास जी भक्तजन जिनके अंदर सामर्थ्य होती है, जैसे भगवान के अंदर सामर्थ्य होती है वैसे भक्तों के अंदर, उनकी बिना इच्छा के उनको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। तो ये महापुरुषजनों के अंदर, उच्च कोटि के भक्तों के अंदर ये सामर्थ्य होती है। तो सिकंदर लोदी जी ने कबीरदास जी को भी मरवाने का कई बार प्रयत्न किया, और ये प्रयत्न देखकर कई बार प्रयत्न किया, कई बार ये दुस्साहस किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया और उसको अंत में झुकना पड़ा कबीरदास जी के सामने। तो कबीरदास जी को जिस समय बीच में धार में डूबोया, तो खूब रस्सी वस्सी बांध के, खूब पत्थर वत्थर बांध के, जिससे ये ऐसा डूबे कि निकल ही ना पाए, और बीच में धार में डूबा के जो सैनिक वैनिक थे वो सब नाव से जब इस पार आए तो क्या देखा, श्री कबीरदास जी महाराज गंगा जी के उस पार खड़े होके गा रहे हैं, हम ना मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हरी मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, और हरी ना मरें तो हम काहे को मरी हैं, श्री कबीरदास जी महाराज गा रहे हैं। सिकंदर लोदी खड़े खड़े, सारे के सारे सिकंदर लोदी के जो चेला चपाटे मुगल वगल सब खड़े हुए थे, सब देख रहे हैं। और ऐसे कई चमत्कार श्री कबीरदास जी के जीवन में
देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये भक्ति के चमत्कार देखकर सिकंदर लोदी को बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियाँ भी भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो वही श्री नामदेव जी के साथ सिकंदर लोदी ने किया और नामदेव जी से बार बार कहा, हमने आपके चमत्कारों के विषय में बड़ा सुना है, कोई चमत्कार करके दिखाइए हमारे सामने। हमने सुना है तुम्हारे पास बड़ी तगड़ी तगड़ी जादुई विद्याएँ हैं, तुम कुछ भी कर दो। तो नामदेव जी ने कहा सिकंदर लोदी से, अरे बादशाह आप कैसी बात करते हैं, हमारे पास कौन सी विद्या होगी, ऐसी कोई विद्या होती तो मैं फिर ये सब कार्य क्यों करता। अरे ये तो भक्ति की महिमा है, ये तो भक्तों की महिमा है, भक्तों ने मेरी जा जा कर इधर उधर जा जा के मेरी यश की प्रसिद्धि की है, वस्तु तो मेरे में कुछ नहीं है ऐसा गुण, आप यथार्थ सत्य मानिए। तो सिकंदर लोदी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब तुम लोगों को ठगते हो, लोगों को भ्रमित करते हो भक्ति के नाम पर, तुमने ठग विद्या चला रखी है, तो मेरे सामने कोई चमत्कार करके दिखाओ, नहीं तो अभी तुमको यहीं कारागार में मैं डाल दूंगा और यहीं जेल की वो सांसें काटते रहना। तो श्री नामदेव जी के सामने वहाँ सिकंदर ने एक गाय मंगवाई और वहाँ गाय बुलवा कर उसके ऊपर सामने नामदेव जी के सामने ही, और वहाँ नामदेव जी के साथ अन्य वैष्णव भक्त भी थे, उनके सामने देखते ही देखते उस गाय को जीवित गाय के ऊपर प्रहार करवाया और ऐसा प्रहार करवाया कि वो गाय मर गई। अब ये देख के ही श्री नामदेव जी महाराज का हृदय एकदम विवल हो उठा। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभो यहाँ पे अब आपके भक्ति की बात आ गई है, मेरा चमत्कार दिखाना कोई लक्ष्य नहीं है, आप कृपा कीजिए, एक गाय की निर्दोष गाय की हत्या इसने दुष्ट ने करवा दी, क्या किया जाए, अगर ये जीवित नहीं हुई तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हम वैष्णवों के ऊपर, भक्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और वहाँ श्री नामदेव जी महाराज ने, नामनिष्ठ भक्त हैं श्री नामदेव जी, और श्री नामदेव जी महाराज ने श्री ठाकुर जी की वहीं खड़े होकर सिकंदर लोदी के राज दरबार में खड़े होकर श्री ठाकुर जी की प्रार्थना की और बड़ा सुंदर एक पद भी गाया वहाँ, विनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोहे तेरी, मैं तेरा ही दास हूँ और आशा भी आपकी है, इत करू कान मुरारी, दीनानाथ दीन व टेरू, गाई ही क्यों ना जिवायो, आछे सबे अंग हैं याके, मेरे यश ही बढ़ावो, आपको ही मैं टेर रहा हूँ, इसके सब अंग बढ़िया हैं, आप इसको जिला दीजिए, जो कहूँ याके कर्मई में नहीं, जीवन लिखो विधाता, ता नामदेव की आयुर्दासो हो तुम ही प्रभुदाता। नामदेव जी ने जब प्रार्थना की और भक्ति के प्रभाव से, श्री नामदेव जी की नाम निष्ठा के प्रभाव से गाय वहाँ जीवित होकर खड़ी हो गई। अब ये देखते ही सब बादशाह को धिक्कारने लगे, श्री नामदेव जी का जय घोष होने लगा, श्री नामदेव जी महाराज की जय हो, नामदेव जी महाराज की जय हो। जब ऐसा जय घोष हुआ है तो अब ये चमत्कार ही था साक्षात सामने, सिकंदर लोदी को झुकना पड़ा और झुकने के बाद वहाँ उसने बड़ी प्रार्थना की सिकंदर लोदी ने कि आप हमसे गांव ले लीजिए, जमीन जायदाद जो चाहिए। नामदेव जी ने कहा भैया हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रभु ने हमें सब कुछ दे रखा है, भक्तों को किस बात की इच्छा, कोई कामना नहीं। और ज़बरदस्ती फिर भी सिकंदर लोदी ने अपने जहाँ धन संपत्ति आदि रखी रहती है, खजाने में से बहुमूल्य जो सबसे मूल्यवान पलंग था वो निकाल के दिया कि आप ये लेके जाइए, नामदेव जी ने मना कर दिया। नामदेव जी ने कहा भैया ये कहाँ लेके जाएंगे हम, बोले नहीं नहीं अपने श्री ठाकुर जी के लिए, उनके शयन के लिए आप ये पलंग ले जाइए, आप चिंता मत करिए, और ये मैं दो चार सेवक भी आपके साथ भिजवा देता हूँ जो आपके घर तक पहुँचा देंगे। अब ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया, गए नामदेव जी और रास्ते में ही एक नदी पड़ी और नदी में श्री नामदेव जी महाराज ने उस पलंग को फेंकवा दिया, भैया इसको फेंको इस व्याधा को, अब और जंगल में घने जंगल में प्रवेश करेंगे, वहाँ चोर डाकू पीछे लगेंगे, अब यहाँ भजन करेंगे कि डाकुओं को चोरों को भगाते रहेंगे, फेंकवा दिया वो पलंग।
अब फेंकवा दिया तो वो जो सैनिक वैनिक थे जो लेके चल रहे थे, उन्होंने सिकंदर लोदी को जाके बताया कि आपकी दी हुई वस्तु का ऐसा अपमान नामदेव जी ने किया है। अब सिकंदर लोदी के साक्षात नामदेव जी का चमत्कार देखा था तो कुछ कह तो सकता नहीं था, तो उसने नामदेव जी को बुलवाया पुनः और कहा, नामदेव जी एक बार आप ऐसा करिए, वो जो पलंग हमने दिया था वो आप हमें एक बार दिखा दीजिए, वैसा दिखा के एक बार बनवाना है। और सिकंदर लोदी को पता था, वो तो फेंकवा दिया। तो नामदेव जी ने कहा, भैया पलंग वलंग हमारे पास तो है नहीं, चलो जहाँ रखा है वहाँ से दे देते हैं। और नामदेव जी महाराज वहीं लेके गए सिकंदर लोदी को। बोले, अभी भी इसको संदेह होता है भक्ति के ऊपर, ये दुष्ट है। और वहाँ श्री नामदेव जी महाराज ने उस सिकंदर लोदी के सामने उस जलाशय में, उस नदी में प्रवेश किया और एक नहीं सैकड़ों पलंग निकाल निकाल के फेंक दिए बाहर। बोले, अब देख लो तुम्हें, तुम्हारा जो पलंग हो इसमें से ले लो। सिकंदर लोदी चरणों में गिर गया। बोले, आप तो सच्चे खुदा के बंदे हैं, आप सच्चे भक्त हैं, ये मैंने लोगों की शिकायत में आके और गलत किया, आप समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये यवन शक्तियाँ तभी मानी, आज वर्तमान में जो कुछ सनातन धर्म और सनातन धर्म में जो भी आस्तिकता जो दिखाई पड़ रही है लोगों के अंदर, वो इन संतों की कृपा से, नहीं तो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को समूल जड़ से उखाड़ने का, एक बार नहीं हजारों वर्ष ये भारत देश गुलाम रहा। लेकिन भैया, चूँकि यह सनातन भूमि है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। सनातन का अर्थात जिसकी त्रैकालिक सत्ता है, जो था है और आगे भी रहेगा। इसको चाहे, हाँ ये अवश्य है कि थोड़ा सा संकट आता हुआ दिखाई देता है, विपत्ति आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका रामकृष्ण ने भी पालन किया। तो ये महात्मा जनों की, महापुरुष जनों की कृपा से ही आज वर्तमान में जो कुछ भक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इन संतों की कृपा ही है भारतवर्ष के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर। अन्यथा इतने ऐसे ऐसे शासक हुए जो समूल जड़ से उखाड़ के नाश करने का जिन्होंने प्रयत्न किया, बहुत कुछ अंश में सफल भी रहे लेकिन पूर्ण अंश से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि संतों की, महात्मा जनों की। क्योंकि स्वयं श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तथात्मानम सजाम्य हम। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब अवतार लेने का मतलब क्या है? वो ऐसे ही महापुरुष जनों के रूप में, संतों के रूप में ही श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो श्री नामदेव जी महाराज ने यहाँ इस चरित्र में नंददास जी के चरित्र का स्मरण करते हुए, श्री नाभाजी महाराज ने नामदेव जी के चरित्र का स्मरण किया कि जैसे नामदेव जी ने अपने जीवन काल में गाय को, मरी हुई गाय को जीवित कराया, वैसे ही श्री नंददास जी के जीवन में भी यही घटना हुई। नामा ज्यों नंददास मुई एक बच्ची जिवाई, इन्होंने भी एक बच्चिया भक्ति के प्रभाव से जीवित की। श्री प्रियादास जी, श्री नंददास जी का जो चरित्र है, जो एक पंक्ति में श्री नाभाजी महाराज ने स्मरण किया, उसका वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, श्री नंददास जी ये कहाँ के भक्त थे? निकट बरेली गांव तामे सो हवेली रहें, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है, करें द्विज द्वेष तासो मुई एक बछिया ले, डारी दई खेत माज गारी जक लागी है, हत्या को प्रसंग करे संत जनहू सो लरे, हिंदू सो न मारे यह बड़ोई अभागी है, खेत पर जाए वाही लियो है जिवाए, देखी द्वेषी परे पाए भक्ति भाई मति पागी है। इस एक ही कवित में श्री प्रियादास जी ने भी नंददास जी के संपूर्ण चरित्र का स्मरण किया है। निकट बरेली गांव, श्री नंददास जी परम वैष्णव जो बरेली के पास हवेली नाम के गांव में आप रहते थे, और इनके विषय में लिखा है, नंददास विप्र भक्त, ये विप्र थे, ब्राह्मण थे, और विप्र होने के साथ साथ
भक्त साधु सेवा रागी हैं, साधु सेवी ये भक्त थे। दिन भर इनके घर में साधु सेवा होती थी और ऐसी साधु सेवा कि कोई संत इनके घर में आ जाए तो उसको देखकर एकदम मन जैसे सूर्य को देखते ही कमल विकसित हो जाता है, वैसे ही किसी भी भक्त वैष्णव को देखते ही ऐसा अनुराग श्री नंददास जी का कि इनका हृदय भी एकदम कमल की तरह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता था, पूर्ण रूप से। और संतों से वैष्णवों से मधुर वाणी का प्रयोग किया करते थे। कभी इनके मुख से कटु भाषा या कटु शब्द नहीं निकले, बड़े अनुरागी। इसलिए श्री नावाजी महाराज, श्री प्रियादा जी महाराज कह रहे हैं, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं। इनका अत्यंत अनुराग श्री भगवत भक्तों के प्रति, क्योंकि सदा इनके मुख से कोमल वाणी ही निकला करती थी। कोमल वाणी क्या है, कोमल वाणी का स्वरूप क्या है? देखो, कोमल वाणी तीन बातें जब होती हैं तो वाणी मधुर बनती है। वाणी में तीन चीज होनी चाहिए, वो वाणी सबसे उत्कृष्ट वाणी कही गई है। तीन चीज जिसमें हो वो वाणी सर्वोत्तम वाणी है। तो गोपियों ने जो गोपी गीत में कहा ना, मधुर या गिरा वल्गु वाक्या बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुयति। तो ये जो इस श्लोक में अधर सीधुना प्याय यस्वन, वाणी कैसी होनी चाहिए एक भक्त की, भक्त के मुख से वाणी कैसी निकलनी चाहिए, इसका गोपियों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। और इस श्लोक का टीकाकार वर्णन करते हैं कि मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, जैसे टीका में लिखा है आचार्यों ने, जैसे स्त्री की वेणी में जब वेणी गुंथन होता है तो वेणी में तीन लर होती हैं, जब तक तीन लर ना हो तो वेणी गुथ नहीं सकती है। जितनी अच्छी वेणी तीन लर से गुथती है उतनी दो से नहीं गुथेगी। तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वेणी की में जैसे तीन लर होती हैं वैसी वाणी में तीन चीज़ होनी चाहिए। मधुर या गिरा, एक तो वाणी जो हमारी निकल रही है उसका स्वर अत्यंत मधुर हो, अत्यंत मीठा हो, स्वर मीठा हो, मधुर या गिरा। वलगु वाक्या, सुंदर शब्द, सुंदर वाक्य होना चाहिए, सुंदर शब्दों का चयन होना चाहिए। मधुर गया गया गिरा वलगु वाक्या बुध मनो गया, और साथ में सुंदर भाव, सुंदर स्वर, सुंदर वाक्य और सुंदर भाव, ये तीन चीज़ मिलकर ही सुंदर वाणी बनती है। फिर ये तीन चीज़ों के सम्मिश्रण से जब वाक्य निकलेगा तो उसमें इतनी मधुरता होगी, जो कहते हैं ना कि कागा काको धन हरे कोयल काको लेत, मीठी वाणी बोल के मन अपनों कर लेत। तो मीठी वाणी में वो सामर्थ होती है कि आदमी सामने वाले को, उसके हृदय को जीत सकता है बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी युद्ध के, मधुर वाणी के प्रभाव से। तो जो इस श्लोक में आचार्यों ने मधुर वाणी के तीन भाव बताए कि मधुर वाणी तब बनती है जब मधुर या गिरा, स्वर मीठा हो, वल्गु वाक्या सुंदर वाक्य होने चाहिए, शब्द होना चाहिए, बुध मनोज्ञा सुंदर भाव होना चाहिए। अब जैसे सुंदर स्वर क्या है, अब किसी से कहिए, कहें आइए बैठिए विराजिए तो ये तो अच्छी बात है, और भले ही सुंदर शब्द हैं आइए बैठिए विराजिए, लेकिन स्वर ऊंचा करके बोला आइए बैठिए विराजिए, बैठना हो तो बैठ जाइए, अब सुंदर शब्द है लेकिन सुनने में कितना अटपटा लगा, उसमें स्वर मीठा नहीं है। स्वर मीठा नहीं होगा तो सुनने में कर्कश लगेगा, भले ही शब्द सुंदर हैं लेकिन उसका स्वर मीठा नहीं है। तो जैसे मधुरया गिरा और वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुयति अधर सीधुना प्याय स्वन, बड़ी सुंदर बात कही। तो ये क्या है, मधुर स्वर नहीं हुआ, मधुर या गिरा, वल्गु वाक्या माने शब्दावली भी सुंदर होनी चाहिए। अब शब्दावली सुंदर, आइए महाराज जी विराजिए बैठिए। अब जैसे ब्रज में ब्रजवासी लोग संतों को
एक ब्रज की भाषा है, ये ब्रज का प्रेम है। तो आइए महाराज जी बैठिए, ऐसा ना बोलकर कोई बोले अरे मूढ़ा बाबा जी यहाँ बैठ जा, आके सुनाई नहीं देता है। तो वहाँ शब्द सुंदर नहीं है तो वो अटपटा लगा सुनने में, इतना प्रिय नहीं लगेगा। और तीसरा भाव का मीठा होना चाहिए, भाव भी अत्यंत मीठा हो। अब मान लो शब्द भी सुंदर हैं, स्वर भी सुंदर है, लेकिन भाव सुंदर नहीं है। अब कोई बेचारा अनपढ़ व्यक्ति आ रहा है और अनपढ़ व्यक्ति सामने से आए, बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सीधा साधा है। अब उसको कहें आइए पंडित राज जी महाराज जी आइए बैठिए, कुछ दो चार बातें शास्त्री करिए। अब वाक्य बड़ा मीठा है, शब्द भी पंडित राज कह रहे हैं, बड़े मीठे ढंग से बोल रहे हैं। अब बेचारा गरीब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पंडित राज कह के बोल रहे हैं, भाव मीठा नहीं है, व्यंगात्मक भाव। तो उसमें क्या है, व्यंग का भाव, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें पंडित राज कह रहे हैं, और जो पंडित राज हैं उनसे सीधे मुँह नहीं बोलते हैं। तो भाव मीठा नहीं होगा तो फिर उसमें उतना रस उतना आनंद नहीं आएगा। अब कई कई बार लोग कहते हैं हम बात तो सच कह रहे हैं, लेकिन बात सच जरूर कहते हैं कि भाव मीठा नहीं है। अब कोई कहे अपनी माता जी से अरे मेरे बाप की लुगाई आके यहाँ जा, अब बाप की लुगाई बात तो सही है बाप की लुगाई ही, लेकिन भाव मीठा नहीं है। तो बात कहने का भाव यही है, मधुरया गिरा, जो आचार्य जनों ने श्लोक की टीका में लिखा है, वल्गु वाक्य मधुर स्वर हो, वल्गु सुंदर शब्दों की रचना हो, और बुध मनोज्ञा सुंदर भाव हो। तीनों चीज़ जब मिलती हैं तो फिर उसका सुंदर स्वरूप, वह सुंदर वाणी, वह मधुर वाणी कही जाती है। तो यही भक्तों का स्वभाव और ये भक्तों का लक्षण होता है कि उनकी सदैव मधुरया गिरा, वल्गु वाक्य बुध मनोज्ञा पुष्करीक्षण विधि करी रे माँ वीर मुयति अधर सीधना प्याय स्वनम। तो ये भक्तों का जो लक्षण बताए हैं, और ये भक्तों के लक्षण में ये सबसे पहला गुण है कि अत्यंत मृदुभाषी भक्त होता है, वैष्णव होता है। तो ऐसे ही श्री नंददास जी, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है, परम अनुराग श्री नंददास जी का संत सेवा में। और ऐसा अनुराग कि ऐसा प्रेम कि संत मात्र को देखते ही हृदय कमल पुष्प की तरह, जैसे सूर्य उदय होते ही कमल पुष्प विकसित हो जाता है, वैसे ही भक्तों को देखकर इनका हृदय विकसित हो जाता था श्री नंददास जी का। और नंददास विप्र साधु सेवा रागी है, संत सेवा में अत्यंत अनुराग। लेकिन संत सेवा में अनुराग कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बोझ समझ के। अब इस बात को एक उदाहरण से समझें, श्री जीव गोस्वामी जी, जब घाट पे विराजते तो परम विरक्त कोटि के महापुरुष श्री जीव गोस्वामी जी हुए हैं। ऐसे विरक्त कोटि के महापुरुष नंद घाट पे यमुना जी के किनारे इनकी भजन कुटी है नंद घाट, और वहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी इतने विरक्त कोटि के महापुरुष भक्त कि जो कुछ भिक्षा में मिलता उसको यमुना जी की रेती में दबा देते और खूब भजन करते। और जब कभी भूख लगती दिन में कभी एक बार, तो यमुना जल में उन टिक्कड़ों को धोके और उन्हीं को पा लिया करते थे। तो श्री जीव गोस्वामी जी, उनके पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते, उनको प्रणाम करने के लिए आते। तो जीव गोस्वामी जी जब नंद घाट पर रहते तो बहुत से लोग उनके पास आते, जो कुछ उनके पास धन चढ़ाते थे, तो चढ़ाने के बाद श्री जीव गोस्वामी जी उसको यमुना जल में फेंकवा देते थे। जिसने जो चढ़ाया वो फेंक दिया जाता था। तो कुछ हमारे जैसे भी लोग थे तो सोचते थे अरे गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, जो कुछ आता है उसको फेंकवा देते हैं। अरे धन आया है, कोई मांगा थोड़ी है, स्वेच्छा से आया है, तो स्वेच्छा से आया अब इसको फेंकवाना ही थोड़ी कोई एक इसका कोई निदान है। अरे कुछ आया है, द्रव्य आया है, जो राशि आई है उससे भक्तों की सेवा हो जाए, सेवा भी तो हो सकती है, अपने निज उपयोग में ना लेकर उससे सेवा कर दी जाए संतों की। तो जीव गोस्वामी जी से निवेदन किया कुछ लोगों ने कि महाराज आपकी आज्ञा हो
तो जो भी कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग आपके पास आकर जो कुछ धन चढ़ाते हैं वो आप फेंकवा क्यों देते हैं यमुना जल में? बोले यही उचित है। बोले उचित क्या है इसमें, किसी से मांगा थोड़ी है, लेकिन आप चाहें तो इससे साधु सेवा प्रारंभ कर दी जाए। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है, इस धन को इस द्रव्य को तुम झेल नहीं पाओगे। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करके देख लो। तो शुरू कर दी संत सेवा। और जो कुछ आसपास के लोग थे, अब एक कोई धनी मानी सेठ आए, उन्होंने कुछ चढ़ाया। अब की बार यमुना जल में ना फेंक कर वो द्रव्य और उससे कुछ सीधा सामान ले आए। संत सेवा प्रारंभ हो गई। और वहाँ संत सेवा प्रारंभ हुई तो पहले ही मना किया था श्री जीव गोस्वामी जी ने कि संत सेवा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बड़ी कठिन है, और जिसमें संतों का अपमान ना हो, न वाणी से हो, न हृदय से हो। संतों को देखकर जो नंददास जी का लक्षण बताया ना कि हृदय एकदम साधु सेवा रागी है, अत्यंत अनुराग। जब तक अत्यंत अनुराग नहीं होगा ना तो हमारा प्रत्येक कार्य आडंबर बन के उसमें अपराध ही होता रहेगा। और जब तक राग प्रेम नहीं होता उस चीज़ के प्रति, वो आडंबर ही बन के चीज़ रह जाती है, दिखावा ही बन के रह जाती है। तो जीव गोस्वामी जी ने पहले ही सावधान किया था। लेकिन जो भी संपत्ति आई, धन आया कुछ, उस धनराशि से वो लोग सीधा सामान ले आए और ला के चूल्हा चौका चेताया और संत सेवा प्रारंभ हो गई। अब दिन भर साधु आए, संत आए। अब एक दिन कोई रात्रि में कुछ दो चार संत आए। अब उन्होंने खटखटाया क्योंकि उनको पता पड़ा, अब जहाँ संत सेवा होती है संतों को पता पड़ जाता है भाई वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो रात्रि में अर्धरात्रि का समय था और अर्धरात्रि के समय आके उन्होंने खटखटाया कि कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो जो संत सेवा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि अरे महाराज अभी रात्रि का समय है, कुछ ऐसी सूखे चना चबेना चबा लीजिए और सुबह थोड़ी देर में ही भोर होने वाली है और भोर हो जाएगी तो आपको बढ़िया प्रसाद तवा दिया जाएगा, काय को चिंता कर रहे हैं। तो वो संत जो थे उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, दो चार थे उसमें से कुछ हमारे जैसे थे। उन्होंने कहा अच्छा तुम तो हमारे सुबह के देख रहे हो बाट, हम तो यहाँ पे अभी हमारे प्राण पखेरे उड़ जाएंगे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हमें अभी खाने के लिए चाहिए। अगर वो जिद पड़ गई कि अभी हमें प्रसाद चाहिए, वो कहें कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान का भोग वो लगा के आपको दे दिया जाएगा। और रात में ही वो दिन भर के साधु सेवा करके और वो थक के सब लोग सो गए। उन्होंने कहा जब माने नहीं वो संत, उन्होंने कहा कि अरे आप मानते नहीं हैं, हमें ही खा जाइए। अब ये बात सुनते ही जीव गोस्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे बैठे बात सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने कहा कि बंद करो ये चूल्हा चौका, आराम से बैठ के नाम संकीर्तन करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भक्त सेवा में ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमें ही खा जाइए, ये कौन सी वाणी, ये कौन सी साधु सेवा है? हमने पहले ही मना किया था कि साधु सेवा संत सेवा तुम्हारी बस की बात नहीं है, उसके लिए कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसी वाणी होनी चाहिए, अत्यंत मृदुभाषी, विष्ट मात्र को देखते ही एकदम हृदय कमल पुष्प की तरह विकसित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और यहाँ संत साक्षात दरवाजे पे आए और ऐसी वाणी बोलते हो, हमने पहले ही मना किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुरंत ये सब बंद करो, क्योंकि सेवा में सुशीलता सौशील्य चाहिए, नहीं तो सेवा तो हर आदमी करता है, दुनिया भर सेवा कर रही है, लेकिन सौशील्य सौहार्द का भाव, सुशीलता अत्यंत दैन्य का भाव हो। जब तक ये दैन्य का भाव नहीं होगा, मधुर वाणी नहीं होगी, तब तक सेवा की निष्ठा जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती। भले ही वो बाह्य क्रिया जरूर रह जाएगी, दिखेगा कि हम संत सेवा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो केवल एक बाह्य क्रिया बनकर रह जाएगी, उससे आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें परम आवश्यक हैं। तो श्री नंददास जी महाराज का ऐसा ही स्वभाव, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं, करें द्विज द्वेष। चूँकि नंददास जी जाति से ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के नाते जो अन्य ब्राह्मण थे इनके गांव के, करें द्विज देश तासों मुई एक बछिया ले, डारी दई खेत माज गारी जक लागी है। अब साधु सेवा संत सेवा करने से इनका नंददास जी का वैभव का बड़ा विस्तार हो गया, तो लोग उनसे द्वेष करने लगे। अब हम जैसे द्वेषी सब जगह ही प्रकट हो जाते हैं,
भगवान राम कृष्ण बाद में आए, रावण कंस पहले आ जाते हैं, हर तरीके के हर प्रकृति के लोग हैं, लेकिन उनके यश की प्रसिद्धि, भक्तों के यश की प्रसिद्धि करने वाले भी ऐसे ही लोग होते हैं, जैसे खूब उनका यश बढ़े, खूब सम्मान बढ़े। अब व्याख्या करें, करें द्विज द्वेष, क्योंकि ब्राह्मण कुछ एक ब्राह्मण उनसे बहुत द्वेष करता था श्री नंददास जी से, क्योंकि नीति ग्रंथों में लिखा है, काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका स्वजाति परिहंतारह श्वान संग गजद्विजा। बड़ी सुंदर नीति का वाक्य है कि ब्राह्मण, ये एक दोष होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देख के चढ़ता है, एक कोई बढ़िया कलाकार कलाकार को देख के चढ़ेगा, उसकी यश उसकी प्रसिद्धि ना हो जाए। तो नीति में वाक्य कहा है कि कौवा कुक्कुट और कायस्थ, काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका, ये तीनों तो अपने जाति के पोषक होते हैं, काक कुक्कुट और कायस्थ स्वजाति परिहंतारह, लेकिन कुत्ता सिंह हाथी और ब्राह्मण ये अपनी जाति के नाशक होते हैं, ये अपने आप को एक एक जंगल में एक ही सिंह रहेगा, वो दूसरे को देख नहीं सकता है, एक गली में एक ही कुत्ता रहेगा, वो दूसरा आ जाए तो ऐसे भौंकने लगते हैं कि बस एक दूसरे को मार ही डालेंगे। तो काक कुकुट कायस्था स्वजाति परिपोषका स्वजाति परिहंता रह श्वान सिंह गजद्विजा। तो श्री नंददास जी ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव, अब एक ब्राह्मण जो था इनसे बहुत द्वेष करता, और इतना द्वेष करता कि इनके यश की, इनके यश को, इनके वैभव को धूमिल करने के लिए उसने ऐसा काम किया कि इनके खेत में एक अपनी मरी बछिया ले जाके डाल दी, और इसलिए ले जाके डाल दी चुपके से, और पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि मेरी बछिया गलती से नंददास जी के खेत में चरने को चली गई, और नंददास जी ऐसे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति, इन्होंने मेरी बछिया को मार मार के जान से मार डाला है। क्योंकि प्राचीन भारत में यदि कोई गौ हत्यारा हो तो उसका मुख नहीं देखा जाता था, 12 वर्ष तक वो काला कपड़ा मुंह पे डाल के और उसका प्रायश्चित करता था, कोई उसको घर में खाने के लिए नहीं देता था। तो बड़ी ये सब कठोर नियम थे जिससे कोई गौ हत्या ना करे, और यही बात कबीरदास जी के भी समय में हुई है, जिस समय कबीरदास जी ने गौ हत्यारे को स्वयं राम नाम लिवाकर, चूँकि वो मुँह पर काला कपड़ा बांध के, और उस गौ हत्यारे को कोई भोजन भी नहीं देता है, तो ये यश की उनको धूमिल करने के लिए, नंददास जी की यश को धूमिल करने के लिए उसने ऐसा कार्य किया, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण से बड़ा द्वेष रखता है कि कहीं इसकी यश इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा ना हो जाए। तो ब्राह्मणों के विषय में एक बड़ा सुंदर उदाहरण भक्तमाल जी में दिया है कि ये कोई ब्राह्मण थे और उन्होंने एक किसी के यहाँ यज्ञ करने के लिए गए, 2 ब्राह्मण वहाँ आए हुए थे, वहाँ जब वो गए तो उनको एक गैया दान में दी जिसके यहाँ यजमान के यहाँ गए हुए थे। अब वो एक गैया एक ब्राह्मण को दान में दी, दूसरी गैया दूसरे ब्राह्मण को दान में दी। अब वो एक ब्राह्मण जो था वो थोड़ा सा उसकी स्वभाव तेज था, और वो अपने यजमान से ही लड़ बैठा कि यदि तुमने इस ब्राह्मण को गाय दान में दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा, तो तुम इसको गाय दान में मत दो, उसने देनी ही नहीं दी। अब वो ब्राह्मण जब एक गांव से निकले तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण देव आपकी गाय बढ़िया, बहुत बढ़िया है, इस गाय को कहाँ से लाई हो? तो पंडित जी ने, ये कहाँ से मिली? तो पंडित जी ने कहा, यजमान ने गौदान किया है, उसने हमें 2 गऊँ दान में दी। तो बोले, 2 गऊँ तो दिख नहीं रही हैं, आप तो एक ही गऊँ लेकर आ रहे हैं। बोले, हाँ एक गऊँ जो है वो हमें मिल गई है, और एक गऊँ जो है वो हमने लड़ झगड़ के दान में देने नहीं दी, उसको भी हमारा ही समझो। बेचारा वो भी ब्राह्मण, उसने भी यजमान के यहाँ उतना ही परिश्रम किया, लेकिन उसने उसको देने ही नहीं दी कि इसके पास वैभव या धन ज़्यादा ना हो जाए। तो ब्राह्मण जो नीति में वाक्य लिखा है ये यथार्थ सत्य हैं कि स्वजाति परिहंतारा स्वान गज सिंह गजद्विजा, तो यही उस ब्राह्मण ने किया। अब श्री नंददास जी संत सेवा के प्रभाव से उनकी यश प्रसिद्धि बड़ी फैलने लगी, तो उसने जब ये अफवाह फैलाई, बल्कि मारा उसी ने था, उसके ही खेत में वह गाय चर रही थी, हत्या को प्रसंग करे संत जनहू सो लरे, लरे हिंदू सो न मारे यह बड़ो अभागी है। और चारों तरफ क्या अपवाद
क्या बुराई करने लगा कि देखो ये बड़ा साधु सेवी बनता है नंददास, ये कैसा साधु सेवी है, अरे जो गौ हत्या रहा है वो साधु सेवी हो सकता है क्या, अरे ऐसा तो कोई मुसलमान भी नहीं करेगा, इसने हिंदू होकर और गौ अपराध किया है, गौ हत्या का दोष इसको लगा है, हत्या को प्रसंग करें। संत जनहू सोल रहे, हिंदू सो न मारे, यह बड़ो अभागी है, इसने हिंदू होकर ऐसा गलत कार्य किया है, कोई भी संत इसके यहाँ भोजन करने को ना जाए, ये गौ हत्यारा है। चारों तरफ वे ब्राह्मण घूम घूम के श्री नंददास जी के विषय में अपयश करने लगा। खेती पर जाए वाही लियो जिवाए देखी, और जबकि मारा उसी ने था, एक दिन उसकी बछिया वो ज़्यादा कुछ खेत में उसने खा लिया होगा तो गुस्से में आकर ऐसी लाठी मारी कि लाठी मारती वो बछिया मर गई। अब उस ब्राह्मण को चिंता होने लगी कि अब ये मर तो गई है और लोगों को यदि पता चलेगा कि मेरे हाथ से गौ हत्या हुई है तो मेरे लिए बड़ी समस्या की बात हो जाएगी, लोग मुझे समाज से बहिष्कृत कर देंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए, ये बात मेरे से हटकर चलो नंददास जी के खेत में डाल दी जाए। बड़ा द्वेष करता था कि जिससे उसको ही समाज से बहिष्कृत लोग कर दें, और यही सोचकर उसने शोरगुल मचाना, बड़ो ही अभागी। अभागी कहने का भाव यह है कि अपने हिंदू शास्त्रों में गाय की बड़ी महिमा कही है, मातरह सर्वभूतानाम गावह सर्वसुख प्रदा, गैया प्राणी मात्र की माता है और सर्वसुख प्रदायिनी है। महाभारत में भी गाय की बड़ी महिमा कही है कि गावह स्वर्गस्य सोपानम गावह स्वर्गोपी पूजितः गावह काम दुहो देव्यो नान्यत किंची परम स्मृतः, गाय ही स्वर्ग की सीढ़ी है, गौ सेवा से अत्यंत अति शीघ्र उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग लोक में भी गाय इतनी पवित्र है कि उसका स्वर्ग लोक में भी स्वर्ग के देवता आदि भी पूजन करते हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो अपने हिंदू धर्म में सनातन धर्मावलंबी, सनातन धर्म में गौ की बड़ी महिमा है, समस्त शास्त्र में गाय की महिमा लिखी गई है, तो यही विचार करते हुए उसने कि ये कलंक मेरे ऊपर ना अपड़े, ये नंददास जी के ऊपर कलंक डाल दो। और कलंक ऐसा डाला कि नंददास जी ने मारी है, और वो अपनी बछिया को अपने खेत से उठाकर मरी हुई बछिया को श्री नंददास जी के खेत में डाकर डाल दिया। और नंददास जी को जब ये मालूम, खेत पर जाए वाही लियो जिवाए देखी द्वेषी परे पाए भक्ति भाए मति पागी है। यहाँ इस पंक्ति में श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, नंददास जी को जब पता पड़ा तो उनको कोई क्रोध नहीं हुआ, कोई उद्वेग नहीं, चलो भगवान की जैसी इच्छा, हमने तो नहीं मारी लेकिन कुछ ऐसा ही हमारे ऊपर ये दोष आना होगा, हमारा ही कोई अपराध होगा जिस अपराध के कारण बिना हत्या किए हुए भी इतना बड़ा दोष हमारे ऊपर आया, चलो इसके मूल में भगवत इच्छा ही है। तो भी उनके मुख पर कोई उद्वेग की रेखा नहीं, और गए वहीं जहाँ उस ब्राह्मण ने, द्वेषी ब्राह्मण ने श्री नंददास जी के ही खेत में जहाँ वो बछिया डाली, और वहाँ जाते ही बछिया को देखकर और श्री ठाकुर जी का चरणामृत हाथ में लिया और संत चरणों का आश्रय लेते हुए नंददास जी ने भगवान नाम संकीर्तन वहाँ प्रारंभ किया, और नाम संकीर्तन को सुनते ही बछिया एकदम जीवित होकर बैठ गई, और वहाँ उस बछिया को देखते ही सब लोग धिक्कारने लगे, बोले अरे ऐसे ही ये मारने वाले होते तो इनके भक्ति के प्रभाव से ये जीवित नहीं हो सकती थी। सब द्वेषी लोग समझ गए कि ये तो दुष्ट ब्राह्मण है, इसने श्री नंददास जी का अपयश, क्योंकि इनकी यश प्रसिद्धि वैभव संत सेवा के प्रभाव से इतना बढ़ रहा था और इनके इस यश को ये सहन नहीं कर पाया, इनका अपयश करना चाहता था। खेत पर जाए वाही लियो जिवाए देखी द्वेषी परे पाए, और जो द्वेषी थे ये साक्षात चमत्कार देखकर श्री नंददास जी के चरणों में गिर गए। भाई मति भक्ति भाई मति पागी है, और सभी की सबने चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की नंददास जी से, नंददास जी आप क्षमा करें, आपके प्रति मैंने गलत भाव किया, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तमा नंददास जी ने कहा, भैया ये मेरे कोई भक्ति का प्रभाव नहीं है, ये तो केवल और केवल संत भक्ति संत सेवा के प्रभाव से आज तक मेरे से जो कुछ अंश में संत सेवा बनी ये उसका प्रभाव है, ये मेरा कोई साधन का प्रभाव नहीं है, मैं क्या भी साधन कर सकता हूँ, साधनहीन प्राणी। भक्ति भाए मति पागी है, स्वयं के जीवन में तो नंददास जी के संत सेवा की निष्ठा थी ही,
और उसी निष्ठा के प्रभाव से मृत बछिया जीवित हुई, जैसे श्री नामदेव जी के समय में श्री नामदेव जी के चरित्र में जीवन काल में प्राप्त होता है। इसलिए श्री नाभाजी महाराज ने नंददास जी के चरित्र का स्मरण करते हुए नामदेव जी के चरित्र को स्मरण किया है, नामा ज्यो नंददास। जैसे नामदेव जी नाम निष्ठा के प्रभाव से गाय को जीवित किया, वैसे ही श्री नंददास जी ने संत सेवा के प्रभाव से, संत सेवा की निष्ठा के प्रभाव से मृत बछिया को जीवित किया है। और भक्ति भाव देखकर सब दुष्टों का भी कल्याण हुआ है, संपूर्ण ग्राम ही फिर भक्तों की निष्ठा, भक्तों की सेवा में संलग्न हो गया। ऐसे श्री नंददास जी, जिनका मुख सदैव नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं, ऐसा अनुराग श्री वैष्णवों के समस्त वैष्णवों के प्रति श्री नंददास जी का, और ऐसे साधु सेवा के प्रभाव से ही ऐसे जीवन में इनकी घटना हुई कि जिसके चमत्कार के प्रभाव से सारा का सारा गांव ही साधु सेवी हो गया, और साधु सेवा के बाद समस्त ग्रामवासियों का कल्याण हुआ है। और श्री नंददास जी महाराज ने जहाँ जिनका चरित्र समस्त ग्रामवासियों के लिए साधु सेवा का एक आदर्श बना, ऐसे श्री नंददास जी जिनका परम अनुराग भक्त सेवा भक्त निष्ठा में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक नाम के भक्त कई होते हैं, ये नंदा जी दूसरे थे। एक नंदा जी अष्टछाप कवियों में नामी हुए हैं, और नंदा जी के अभी कलयुग में कुछ 500-600 साल पहले इनके पद भी बड़े सुंदर मिलते हैं। अब दूसरे नंदा जी हैं जिनका चरित्र आपने सुना। एक नाम के भाई कई भक्त होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जय श्री राधे।